मतमतांतर हो ही जाते हैं। मत का प्रतिपादन करने का शास्त्रार्थ करते समय और विवाद भी करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की एक मर्यादा रहती है। अंततो गत्वा हम सब लोग भारत माता के पुत्र है। मत मतांतर कुछ भी होंगे, हम अपने अपने मत के द्वारा ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का भाग्य हम बदल देंगे, हम उसको परम वैभव संपन्न बनाएंगे। एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग रास्ते लेने वाले लोगों को अपने विशिष्टता विविधता को लेकर तो चलना चाहिए, उससे हमारा जनजीवन समृद्ध होता है। विविधता होना यह सुंदरता की बात है, समृद्धि की बात है, उसको स्वीकार करके तो हम चलते ही हैं। परंतु ये दिखने वाली विविधता एक ही एकता से उपजी है। उस भाव का भान रखकर हम सब एक है, इसका भी दर्शन समय समय पर होते रहना चाहिए, क्योंकि किसी राष्ट्र का भाग्य बनाने वाले समूह नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते, विचार तत्वज्ञान नहीं होता, सरकारें नहीं होती। सरकारें बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। देश का सामान्य समाज जब तक गुणसंपन्न बनकर अपने अंतःकरण से भेदों को तिलांजलि देकर मन के सारे स्वार्थ हटाकर देश के लिए पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होता है, तब सारी सरकारें, सारे नेता, सारे विचार समूह उस अभियान के सहायक बनते हैं और तब देश का भाग्य बदलता है।